अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव चीनी गन्ना उद्योग, गन्ना विकास तथा आबकारी संजय आर भूसरेड्डी दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन COVID-19 रोकथाम हेतु स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो 24 घंटे क्रियाशील रहता है, जिसमें राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, पशुपालन, पंचायती राज, विद्युत, मंडी, खाद्य एवं औषधि आपूर्ति आदि समस्याओं के संबंध में कंट्रोल रूम में फोन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है, उसका संबंधित अधिकारियों के साथ गहनता से निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आने वाली शिकायतों के रजिस्टर की जांच की और मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया। और कल हम लोगों ने शहर की साफ सफाई वगैरह देखी है और यथावश्यक निर्देश मैंने दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जनता से भी मैं इसमें अपील करूँगा कि महामारी सभी को मिल के काम करना होगा। इसमें केवल सरकार या जिला प्रशासन ही अपने से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अपने से वो नहीं पूरे महामारी पे नियंत्रण कर पाएगी। इसमें जनता को भी आगे बढ़कर सहयोग देना होगा। और ख़ास बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि इतनी सख्ती और सख्त कानून के बावजूद भी कई लोग, कल मैंने शहर में देखा कि वो लोग न सोशल दूरी बनाए रख रहे ना वो मास्क पहन रहे। तो मैं जनता से करबद्ध अपील करूंगा, बहुत विनम्रता से अपील करूंगा, इसके पहले कि हम सख्ती करें और फिर हम कानून का इस्तेमाल करें और उनके ऊपर दंड आरोपित करें या उनको पुलिस विभाग के थ्रू कार्रवाई करें। मैं चाहूंगा कि वो खुद अपने दो गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। बहुत लोगों को मैं देख रहा था अनावश्यक सड़क पर घूम रहे थे। अगर घर कोई काम नहीं है तो कृपया करके घर पर रहें और अपने परिवार और अपने इष्ट मित्र और अपने परिवार के सभी सदस्यों का